मसाजिद मुकद्दस इबादत गाहों से कहीं ज्यादा हैं। ये दस्तकारी के हैरत अंगेज काम हैं। दुनिया की सबसे खूबसूरत मसाजिद दम तोड़ने वाले ढांचे हैं जो अपने खूबसूरत विरसे और तारीख पर फख्र करती हैं। ये दुनिया भर के सयाहों को अपनी तरफ मतवज्जह करते हैं जो इनकी खूबसूरती की इतनी ही तारीफ करते हैं जितना उम्दा इनके फन तामीर है। मस्जिद अरबी का लफ्ज़ है। मस्जिद वो मुकद्दस जगह है जहाँ मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए जमा होते हैं। लफ्जी तौर पर इसका मतलब है सजदे की जगह। मसाजिद सदियों से लाखों मुसलमानों के ईमान का सबूत बनी हुई हैं। इस वीडियो में हम मस्जिदुल हराम, मक्का मुकरमा और मस्जिद नबवी मदीना मुनव्वरा के बाद दुनिया के 10 खूबसूरत तरीन मसाजिद के बारे में बात करेंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इस कीमती और इन्फॉर्मेटिव वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। वेलकम टू नॉलेज वेव। इस फहरिस्त पर नंबर 10 पर आता है द ग्रेट मास्क जेने। अफ्रीका के सबसे कदीम शहर के जलस्ते सहराए सहारा में वाक़ जेने की अजीम मस्जिद दुनिया की सबसे बड़ी मिट्टी की ईंटों का ढांचा है और सुडानो सहेलियन फन तामीर का एक बेहतरीन नमूना है। ये तकरीबन 20 मीटर ऊंचा और 91 मीटर तवील है। हर मौसम बहार में मुकामी मुमार मिट्टी की नई तह लगाकर मस्जिद की देखभाल करते हैं। इस फहरिस्त पर नंबर 9 पर आता है सुल्तान काबूस ग्रैंड मॉस्क जो कि मस्कत ओमान में है। 20,000 नमाजियों को एडजस्ट करने के लिए डिज़ाइन की गई। अमान में सुल्तान काबूस ग्रैंड मॉस्क इबादत की एक खूबसूरत जगह है। इसे 2001 में खोला गया था और इसे ओमान के सुल्तान काबूस बिन सईद अल सैद की हुकूमत के 30 साल जश्न मनाने के लिए बनाया गया था। इस मस्जिद में 5 मीनार हैं जो इस्लाम के 5 सतूनों की नुमाइंदगी करते हैं और इसमें रंगीन मोज़ेक पैटर्न और उम्दा क्रिस्टल काम है जो इसे दुनिया की खूबसूरत तरीन मस्जिद में से एक बनाता है। मस्जिद गैर मुस्लिम सयाहों को जुम्मे के अलावा हर रोज मस्जिद में आने की इजाज़त देती हैं। सयाहों से तवक्का की जाती है कि वो मस्जिद में दाखिल होने के लिए इबादतगाह के लिए मौजूद लिबास पहने। मसाजिद अपनी खूबसूरती और रूहानियत से भरपूर कुछ वक्त गुजारने और अहाते में बहने वाली अकीदत में डूबने के लिए बेहतरीन जगह है। हज्जाज कराम अल्लाह से दुआएं मांगते हैं और बख्शिश खुशहाली और इनामात मांगते हैं। शानदार फन तामीर ने इसे मुसलमानों, मुसाफिरों, ममारों और मोरखीन के अलावा दीगर लोगों की फहरिस्त में इसे एक ऊंचा मुकाम दिया है। इस फहरिस्त में नंबर 8 पर रहते हैं उमैयद मॉस्क जो कि सीरिया में है। खूबसूरत मस्जिद जो 1000 पहले 715 में मुकम्मल होने के बाद से वक्त की आजमाइश पर खड़ी है। इसमें 3 बुलंदो बाला गुम्बद और एक बड़ा सहन है जहां हर रोज कई मुसलमान नमाज अदा करने के लिए जमा होते हैं। दिलचस्प बात यह है कि मस्जिद के बारे में ख्याल किया जाता है कि यह एक मज़ार है जिसमें जॉन बैप्टिस्ट का सर है जो पहली सदी ईस्वी के अवायल से एक यहूदी सफ़र करने वाले मुबलिग हैं जिन्हें इस्लाम में हज़रत याहिया भी कहा जाता है। सयाहों को सुबह 11 बजे से रात 9 बजे के दरमियान इस मशहूर मस्जिद का दौरा करना चाहिए। इस फहरिस्त पर नंबर 7 पर आते हैं जामा मस्जिद न्यू दिल्ली जो कि इंडिया में है। न्यू दिल्ली में वाक़ जामिया मस्जिद जिसे मुगल बादशाह शाहजहां ने 1650 और 1656 के दरमियान तामीर कराया था, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मस्जिद है। इस इबादतगाह में 25,000 नमाजियों की इजाज़त देने की गुंजाइश है और इसे सुर्ख रेत के पत्थर और सफ़ेद संगे मरमर से बनाया गया है। हिंद इस्लामी फन तामीर की खसूसियत वाली मस्जिद में 3 गुम्बद, 2 मीनार और 3 दरवाजे हैं और ये दुनिया की 10 सबसे खूबसूरत मसाजिद में जगह की मुस्तहिक है। मस्जिद का फन तामीर हिंदी और जैन मजहब से मुतासिर है जो मुल्क में अक्सरियत के तौर पर फैला हुआ है। उस वक्त तकरीबन 5,000 मजदूरों ने दिन रात मेहनत करके मस्जिद को 10 लाख रुपए से मुकम्मल किया था। जामा मस्जिद हफ्ते के तमाम दिनों के दौरान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक खुली रहती है। इस फहरिस्त पर नंबर 6 पर आता है इस्लामिक सेंटर मॉस्क जो कि क्रोएशिया में है। ये मस्जिद असरी और रवायती इस्लामी फन तमीर का हसीन इम्तजाज है। खमीदा हिंदसी इश्काल और नमूनों की हामिल मस्जिद में एक मुनफरिद अंदाज का गुंबद है जिसकी शक्ल 5 अलग अलग हिस्सों में है जो बसरी तौर पर एक ही चीज को बनाती है। इस्लामिक सेंटर मस्जिद का डिजाइन मशहूर क्रोशियन मुजस्मा साज डियोजियन डमोजा ने तैयार किया था। आज एक ही मशहूर सियाहती मुकाम मस्जिद रजीक की इस्लामी बरादरी के बरसों पुरानी ख्वाहिश के नतीजे में तैयार की गई थी कि नमाज की अदायगी के लिए एक वक्फ जगह हो।
ज़ायरीन को सुबह 9 बजे से रात 10 बजे के दरमियान मस्जिद के अहाते के अंदर जाने की इजाज़त है। इस फहरिस्त पर नंबर 5 पर आता है सुल्तान अहमद मॉस्क, जो कि इस्तांबुल तुर्की में है। इसके अंदरूनी हिस्सों को आरास्ता करने वाली नीली एजनिक टाइलों की वजह से इसे नीली मस्जिद भी कहा जाता है। सुल्तान अहमद मस्जिद एक खूबसूरत मंजर है। यह मस्जिद 17वीं सदी की है, जब इसे अहमद अव्वल के दौरे हुकूमत में तामीर किया गया था। यह ढांचा जिसमें 6 ऊंचे मीनार और 5 मरकजी गुंबद हैं, ख्याल किया जाता है कि यह क्लासिकी दौर की आखिरी अजीम मस्जिद है। नीली मस्जिद में दाखिले के लिए खवातीन को सर पर स्कार्फ और मर्दों को मुकम्मल पतलून पहनना जरूरी है। नीज ज़ायरीन को याद रखना चाहिए कि मस्जिद के अहाते में फ्लैश फोटोग्राफी की इजाज़त नहीं है। इस फहरिस्त पर नंबर 4 पर आते हैं नासरुल मुल्क मॉस्क इन शेराज, जो कि ईरान में है। अपनी क्लेडोस्कोपिक खूबसूरती के लिए मशहूर नासरुल मुल्क मस्जिद को रोशनी के खेल और अल्लाह की इबादत के अमल को मुनफरद तरीके से मिलाने के लिए बनाया गया है। इसे 19वीं सदी में काजार खानदान के मिर्जा हसन अली नासिर के हुक्म से तामीर किया गया था। इसे बहुत सारी गुलाबी टाइलों से मुजयन किया गया और इसीलिए इसे गुलाबी मस्जिद भी कहा जाता है। मस्जिद के अहाते में एक खूबसूरत रेक्टेंगुलर तालाब है, जिसके चारों तरफ फूलदार पौधों के ढांचे इसकी मजमूई खूबसूरती में इजाफा करते हैं। नासिरुल मुल्क मस्जिद मर्दों और औरतों दोनों के लिए बाकायदा ईरानी लिबास के असूलों पर अमल करती है। इस फहरिस्त पर नंबर 3 पर आती है वजीर खान मास्क, जो कि लाहौर पाकिस्तान में है। शुमाली शहर लाहौर की मसरूफ तरीन गलियों में से एक में वाकई वजीर खान मस्जिद तमाम मजहबी सयाहों के लिए एक लाजमी जगह है। यह इबादतगाह 17वीं सदी में तामीर की गई थी और खूबसूरत फ्रेस्को पेंटिंग्स और टाइलों से मुजयन है। हिंद इस्लामी तर्ज तामीर में तामीर की गई ये मस्जिद एक बेहतरीन इस्लामी ढांचे के तौर पर काम करती है, जो मुगल दौर के मोजीक टाइल के काम को दिखाती है। मस्जिद वजीर खान सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक खुली रहती है। इस फहरिस्त पर नंबर 2 पर आती है हाजिया सूफिया मॉस्क, जो कि इस्तांबुल में है। हाजिया सूफिया मस्जिद तमाम मुसलमानों के लिए ना सिर्फ अपनी बेमिसाल खूबसूरती के लिए बल्कि इसकी अहम तारीख के लिए भी एक लाजमी मुकाम है। दुनिया की खूबसूरत तरीन मसाजिद में से एक ये मुकदस मुकाम बाज़ंतीनी फन तामीर की जिंदा मिसाल है। यह असल में एक ईसाई चर्च के तौर पर बनाया गया था, ताहम उस्मानी दौरे हुकूमत के दौरान इसे मस्जिद में तब्दील कर दिया गया। यह इमारत इन मजहबी तब्दीलियों को जाहिर करती है जो मस्जिद ने माजी में देखी है। इसमें मुस्लिम सकाफत से मुतलिक अरबी में लंबे मीनार हैं, जबकि खूबसूरत मोज़ेक ईसाइयों के माजी के बारे में बताते हैं। ख्वातीन को स्कार्फ के बगैर मस्जिद में दाखिल होने की इजाज़त नहीं है। इसके अलावा शॉर्ट्स या किसी भी जिस्म जाहिर करने वाले लिबास की इजाज़त नहीं है। इस फहरिस्त में नंबर 1 पर आती है शेख जायद ग्रैंड मॉस्क, जो कि अबू धाबी में है। 82 चमकते हुए सफ़ेद गुंबद, कई खूबसूरत हाथ से बनी कालीन और बहुत से स्वारोव्स्की से ढके फानूस के साथ शेख जायद ग्रैंड मॉस्क यकीनी तौर पर दुनिया के सबसे खूबसूरत मसाजिद में जगह की मुस्तहिक है। ये एक फन तामीर का मौजज़ा है, जिसमें एक वक्त में 40,000 से ज़्यादा नमाजियों की इजाज़त देने की गुंजाइश है। नेज़ में एक पोल है जो मस्जिद के कालमों की अकासी करता है और रात के वक्त दिलकश नज़र आता है। मस्जिद में नीलम और यशब के साथ 1096 कालम हैं। मजीद बरा इसके पास हाथ से बने हुए सबसे बड़े कालीन रखने के लिए गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का इनामी मालिक है। मस्जिद की दीवारों और मेहराबों पर खताती की तहरीरें हैं, जो मुसलमानों को सब्र तहम्मुल बरकरार रखने और अमन फैलाने की तरकीब देती हैं। हफ्ते से जुमे रात के दौरान मस्जिद सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक खुली रहती है। जुम्मे के दिन ज़ायरीन को शाम 4:30 बजे से रात 10 बजे के दरमियान मस्जिद में जाने की इजाज़त है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं नॉलेज वेव की अगली शानदार वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।